अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास वर्क यानी अभी जो मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। और आज की वीडियो का होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, यानी ये चारों जो आपके पास दी हुई हैं डायग्राम्स उसमें आपको मेजर मालूम करनी है किसकी, एंगल 1 की। ये देखें, ए में एंगल 1, बी में एंगल 1, सी में एंगल 1 और डी में एंगल 1। एंगल 1 की मेजर मालूम करनी है। ठीक है, ब्लो व्हेन मेजर ऑफ वन एंगल इज़ गिवन, और एक एंगल की हर डायग्राम में एक एक एंगल की मेजरमेंट दी हुई है और आपको उसको देखते हुए 1 की मालूम करनी है। ठीक है, यानी देखिए डायग्राम नंबर ए, डायग्राम ए है, इसमें देखें ये पहले तो दो पैरेलल लाइंस है, मैंने आपको बताया था ना पैरेलल लाइंस का पिछली वीडियो में, जिसमें एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर नंबर 7 की, उसमें पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, दो पैरेलल लाइन है, एक एल है और एक एम है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसका नाम है एक्स। अब यहाँ 120 डिग्री है और ये वाला 1 आपको मालूम करना है, यानी एक एंगल 120 डिग्री का है और एक एंगल 1 आपको बताना है कि ये कितने का होगा। ठीक है, इसकी मेजरमेंट क्या होगी। अब ये देखें हम किस तरह करते हैं इसको। देखें जैसे आपका ये ए है, ये यही बुक की इसमें मैंने बनाई है डायग्राम। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में चंद एंगल्स बताए थे, उसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद आया आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इक्वल होंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल दोनों के क्रॉस में। ठीक है, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, तो जब ये दोनों इक्वल हैं, यानी जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला होगा, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो पहले आपको इसका नाम बताना है कि ये दोनों एंगल कौन से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और ये कितने का होगा एंगल 1, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, जब ये 120 का है तो ये भी 120 का ही होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बी डायग्राम में इसी तरह से डायग्राम दी गई है, दो पैरेलल लाइन्स है, एक एल एक एम है, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स। ठीक है, अब इसमें ये वाला एंगल 135 डिग्री है और यह 1 है। अब ये कौन से हैं, वो एक्सटीरियर थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर थे, और ये अल्टरनेट इंटीरियर है। अब ये सारे 135 का है तो ये भी 135 का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 135 डिग्री। ठीक है, अब सी डायग्राम पर आते हैं, वही दो पैरेलल लाइन है, एक एल एक एम है, और एक्स सॉरी एन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ ये दोनों एंगल हैं ये कौन से हैं, पहले तो ये बताना है कि इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। जाहिर है दोनों बाहर की तरफ है तो ये एक्सटीरियर है, और जब एक ही साइड पर होते हैं तो क्या होता है, दोनों एक साइड के एक्सटीरियर एंगल्स अगर एक साइड पर हों तो वो क्या होते हैं, दोनों प्लस करके क्या बनते हैं, 180 डिग्री बनते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो अगर ये 60 का है तो अगर मैं 180 में से 60 माइनस कर दूँ तो कितने पीछे रिमेनिंग क्या बचा, 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स अगर सेम लाइन पे मौजूद हों तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा 120 डिग्री होगा। ठीक है, और मैंने एग्जांपल भी आपको उसमें यही वाली दी थी 60 और 120 की। ठीक है, अब डी डायग्राम में देखें किस तरह से, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि पैरेलल लाइन इस तरह भी हो सकती हैं और इस तरह भी हो सकती हैं। ठीक है, बस इतना होना चाहिए कि इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को। ठीक है, आपस में, अब इस यहाँ पर देखें इस तरह से ये भी पैरेलल लाइन्स हैं, इनकी पोजिशन चेंज कर दी गई है एल एम, और इसको इंटरसेक्ट करिए ट्रांसवर्सल लाइन जिसका नाम है एन। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जितने हमने एंगल्स पढ़े थे वो क्या थे, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ना, तो वो किस तरह से थे, वो एक साइड के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे 100 और 1, ये दोनों एंगल्स आपके सम आएगा 180 डिग्री का, इन दोनों का सम 180 डिग्री का आएगा। कैसे, यहाँ 100 है और यहाँ 1 है, अगर 180 में से आप 100 माइनस करते हो तो क्या आया, 80 डिग्री आया आपके पास।
तो ये दोनों एक ही रुख में है दोनों एंगल्स, तो ये क्या होंगे, ये सम होगा दोनों का 180 डिग्री का, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन डिफरेंट लाइंस 80 डिग्री, ठीक है, कि ये इस लाइन पे है और ये इस लाइन पे, लेकिन इनका सम 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। क्वेश्चन नंबर टू में इन द एडजेसेंट फिगर एल पैरेलल एम, अब ये जो साइन आपको दिख रही है जो 11 की तरह लग रही है, ये पैरेलल साइन होती है, यानी ये कह रहे हैं कि इस एडजेसेंट फिगर में एल और एम पैरेलल है, फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग एंगल्स व्हेन एम एंगल 365। जैसे यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन्होंने एक एंगल की हमें बता दी है कि क्या इसकी है, इसके 65 एंगल 365 डिग्री का है। अब ये कह रहे हैं कि बाकी के आपको बताने हैं कि कितने हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इनके हमें बताने। अब हम किस तरह से बताएंगे ये देखते हैं। आप देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने। ये आपके पास है L, ये आपके पास है M, ये दोनों पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, उसका नाम है N, ये बुक की डायग्राम है, ठीक है। ये 1 है आपके पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7 और ये 8, ठीक है। अब कह रहे हैं एंगल 365 डिग्री का है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, लिखेंगे कि जो सम हम जो हमें डेटा यानी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम लिख लेंगे। हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेजर एंगल 3 है 65 डिग्री, ठीक है। अब मेजर एंगल 3 के साथ कौन सा सिमिलर होगा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, वर्टिकल एंगल्स 3 और 1 वर्टिकल एंगल्स होंगे, 2 और 4 वर्टिकल एंगल्स होंगे। तो 3 और 1 क्या होंगे, वर्टिकल एंगल्स हैं जो आपस में सेम होते हैं, यानी मेजर एंगल 1 इक्वल होगा मेजर एंगल 3 के। कौन से एंगल हैं, ये वर्टिकल एंगल्स, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा एंगल्स को, तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 365 है तो 1 भी 65 है, ठीक है। तो हमने लिखा मेजर एंगल 1 65, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया ऑटोमेटिकली कि ये 65 डिग्री 1 वाला भी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है, वर्टिकल सेम होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं 1 और 2 की तरफ, सॉरी 3 और 1 हो गया, हाँ। अब अगर आप 1 को देखें तो 1 आपके पास हो गया कि 1 आपके पास 65 है। अब 1 और 2 का मैंने आपस में सम बताया था आपको, कौन से एंगल्स हैं ये जो एक ही लाइन पर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री का मैंने क्या बताया था कि मेजर एंगल 1 प्लस करेंगे अगर मेजर एंगल 2 से तो इसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अगर 165 है तो हम 180 डिग्री में 180 में से अगर 65 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो 2 होगा ना। किस तरह करेंगे ये देखें, पहले तो हम इसको लिख लेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब अगर एंगल 165 डिग्री है, मेजर एंगल 2 मुझे नहीं पता तो मैंने एंगल 2 ऐसे ही लिख लिया और उसकी जगह ये लिख लिया। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम इस तरफ लिख लेंगे और इसके बाद ये हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर 65 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 115 डिग्री, ठीक है, यानी मेजर एंगल 2 आपके पास हो गया 115 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे आपस में, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक है। देन अगर 2 115 डिग्री है तो मेजर एंगल 4 भी 115 डिग्री होगा, ठीक है, यानी ये आपने लिख लिया यहाँ भी 115 डिग्री। अब हम आएंगे नीचे की साइड पे, क्योंकि ये चारों एंगल हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मेजर 1 और मेजर 7 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 7,
alternate exterior angles. Then अब मेजर एंगल 7 भी हमारा है 65 डिग्री. ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 65 डिग्री. ठीक है, अब हम आएंगे 7 अगर 65 है तो 5 भी हमारा 65 होगा. क्यों? क्योंकि ये आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं. ठीक है, मेजर एंगल 7 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5. ये क्या है? ये वर्टिकल एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, 7 और 5, 5 भी 65 डिग्री. अब यानी मेजर एंगल 5 हमने लिख दिया कि 65 डिग्री है. ठीक है, अब हम आते हैं ये वाले इस तरफ के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पर कि 2 और 8 ये सेम होंगे. क्यों? क्योंकि ये हैं हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. देन मेजर एंगल 8 भी हमारे पास हो गया 115 डिग्री. हम लिख देंगे 115 डिग्री. अब मेजर एंगल 6 और 8 इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि ये हैं वर्टिकल एंगल्स. देन अब हम यहाँ लिख देंगे मेजर एंगल 6 115 डिग्री. ठीक है, यहाँ लिख दिया 115. इस तरह से हम एक जो दिया हुआ है उसके साथ कनेक्ट करके बाकी के हम लेते जाएंगे एंगल्स. और इसके लिए आपको जो चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सप्लेनेशन है जो पिछली वीडियो में थी उसको आपको सही तरह दोबारा देखें तो आपको ये एंगल्स याद हो जाएंगे कि कौन सा एंगल क्या है. ठीक है, थैंक यू.